फ्रेंड्स, मैं अरुण प्रजापति, आपका हिंदी अध्यापक। आज हम कक्षा 7 के पहले पाठ, हम पंछी उन्मुक्त गगन की पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को हुई। उनके प्रमुख लेख हैं मिट्टी की बारात, हिलोल, जीवन के गान। उन्हें जो प्रमुख उपाधियां या सम्मान मिले हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत भारती पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। इस पाठ में उन्होंने आजादी के महत्व को प्रतिपादित किया है, बताया है। उन्होंने कहा है कि चाहे पशु पक्षी हो या फिर इंसान, अगर हम किसी को कैद करके रखते हैं तो उसका जीवन कष्टमय या पीड़ामय हो जाता है और वो वहां पे घुटन भरी जिंदगी जीता है। उसे किसी भी प्रकार का सुख चैन वहां पे नहीं प्राप्त होता, चाहे तो खाने पीने की सारी वस्तुएं उसमें रख दी जाएं, सारी सुख सुविधाएं वहां पे दे दी जाएं, फिर भी उस जगह पे उसे संतुष्ट नहीं होता। वहां पे वो कष्ट का ही अनुभव करता है। यहाँ पे कवि ने पहली पंक्ति में पंक्षी के माध्यम से दर्शाया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे कवि कह रहा है कि पक्षियों के माध्यम से, कि पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पंछी हैं वो खुले आकाश में, उन्मुक्त यानी कि खुले आकाश में, गगन मीन्स आकाश, खुले आकाश में विचरण करने वाले, उड़ने वाले हैं, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। अगर हमें पिंजर बंद यानी कि पिंजरे में अगर बंद कर दिया जाए तो हम उसमें रह के गान नहीं कर सकते, यानी कि चहचहाहट नहीं कर सकते, सही रूप से गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियां, कनक मीन्स सोना, तीलियां मीन्स उसकी जो कड़ियां होती हैं। अगर सोने की तीलियों से टकरा टकरा के हमारे जो उड़ने के लिए व्याकुल, पुलकित, पुलकित मीन्स आनंदित, खुश जो पंख है हमारे, वो जो है उन तीलियों से टकरा टकरा के टूट जाएंगे। दूसरी पंक्ति में है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है कि हम बहता जल पीने वाले, हम नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे और भी कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। उन्होंने कहा है कि कहीं भली है, कहीं अच्छी है वो कड़वी निबोरी। कड़वी निबोरी यानी कि नीम का वो फल, नीम का वो फल जो कड़वा होता है वो कहीं अच्छा होता है, कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि सोने की कटोरी में अगर हम मैदे से बनी हुई वस्तुएं भी दे दें, मैदे से बनी हुई वस्तुएं यानी कि मैदा एक आटे से भी बारीक वस्तु होती है और उससे विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं, तो अगर उन पकवानों को भी हम बना के और सोने की कटोरी में उनको दे दें तो भी जो है वो उससे कहीं अच्छी उनको नीम की कड़वी निबोरी लगेगी।